वर्ल्ड हिस्ट्री से दो क्वेश्चन हैं, 2014 और 2015 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड व्हिच मोटिवेटेड द एंटी कलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो यू विल बी एबल टू राइट दीज आंसर्स। या फिर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा है, इवन देन यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस आंसर। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इट इज़ आस्किंग अबाउट दी ग्लोबल डेवलपमेंट्स इन थ्री डिफरेंट फील्ड्स। तो आपको इन तीनों फील्ड्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसमें से कोई भी निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स, राइट? सो योर आंसर हैज़ टू बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू दीज थ्री सब हेडिंग्स। दी फोकस शुड बी ऑन गिविंग एज मच कॉन्टेंट एज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सच एज दीज, जहाँ पे आपको सीधे ये पूछा जाता है व्हाट वाज दिस और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ एटसेट्रा। वहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज मार्क्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी दैट यू हैव रिटन। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर तीन चीज़ें आपसे पूछी गई हैं तो यू कैन अज्यूम दैट ईच ऑफ देम कैरीज इक्वल वेटेज। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, अगर ये 10 मार्क क्वेश्चन है तो इसमें 3.5 या फिर 3.33 मार्क्स हर एक हेडिंग के लिए आपको मिलेंगे। तो बहुत सिंपली आपको ये शुरू करना है। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे तीन हेडिंग्स देनी है, पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, राइट? अच्छा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मोटिवेट हुआ, व्हाट वर दे? द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज निकल के आई, सच एज नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। एंड यही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आगे जा करके इंडियन नेशनल लीडर्स ने भी यूज करी, फर्स्ट टू क्रिएट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड देन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अच्छा, इसके साथ एक और रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इट इज ऑल्सो नोन एज द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 और द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से कौन सी आइडियोलॉजी निकल के आई? सोशलिज्म की और कॉम्युनिज्म की। एंड कॉम्युनिज्म ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट टू थिंग्स, वन वॉज कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड द अदर वॉज इम्पीरियलिज्म, राइट? सो दिस ऑल्सो इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यूरोप में एक बहुत मेजर टर्मोइल का पीरियड था। क्यों? क्योंकि द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर बींग फेल्ट थ्रू आउट द 19th सेंचुरी इन यूरोप। वन ऑफ द पोलिटिकल आइडियोलॉजीज आई हैड टोल्ड यू, जो कि इमर्ज होकर के आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, दैट वॉज नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का कीड़ा जो है पूरे यूरोप को इन्फेक्ट कर गया 19th सेंचुरी में, एंड इसका एक इसके कई सारे पोलिटिकल मैनिफेस्टेशन एक्सप्रेशन भी हुए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वर द जर्मन एंड इटालियन यूनिफिकेशन। इसके पहले जर्मनी और इटली एक देश नहीं थे, दे वर अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, बट द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज हैविंग अ शेयर्ड हेरिटेज, कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड होप्स एंड एस्पिरेशंस। तो वहाँ पे नेशनलिज्म के प्रोसेस की वजह से यूनिफिकेशन हुआ इन कंट्रीज का, एंड दिस ऑल्सो इंस्पायर्ड नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन। ठीक है, अच्छा, देर वर सर्टेन इंस्टेंसेज जब नॉन वाइट पावर्स या नॉन यूरोपियन पावर्स सक्सीडेड इन डिफीटिंग और रेजिस्टिंग यूरोपियन पावर्स, स्पेशली मिलिटरीली, राइट? टू प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं एबिसिनिया, आजकल इसको एथियोपिया बोलते हैं, एबिसिनिया रेजिस्टेड एन इन्वेजन फ्रॉम इटली इन 1896 एंड जापान वन ओवर रशिया इन 1905। इसकी वजह से हुआ क्या? अभी तक इंडियंस के मन में एक डर था कि जो यूरोपियंस हैं वो इनविंसिबल हैं, उनको हराया नहीं जा सकता है,
बट द विक्ट्री ऑफ दीज नॉन यूरोपियन पावर्स ओवर दीज यूरोपियन कॉलोनियल बिहेमथ्स शैटर्ड द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी. अब इंडियंस को ये लगने लग गया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये रशियंस को या फिर इटालियंस को हरा सकते हैं तो हम भी बड़ी आसानी से अंग्रेजों को हरा सकते हैं. राइट नाउ अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हिच वर एंटी कॉलोनियल इन नेचर ऑल्सो इंस्पायर्ड इंडियन लीडर्स. मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट. राइट तो इसकी वजह से आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी क्रिएट हुई थी एंड दे स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर होम रूल इन आयरलैंड. इंस्पायर्ड बाय दीज होम रूल लीगर्स ऑफ आयरलैंड एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया. राइट तो दैट वॉज अनदर वे वेयर पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोटिवेटेड द एंटी कलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया. अच्छा two major world changing events, world war 1 and world war 2, they also had massive repercussions in the story of the national struggle for independence in india. how world war 1 ke time pe britain aur europe ki jitni bhi industrial capacity thi wo puri ki puri khatam ho gayi, all of their industries were destroyed, but britain had to fight a war on a very large scale, therefore it was forced to industrialize india. राइट सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इसकी वजह से इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्लास इमर्ज हुआ, सेकेंड एक स्ट्रॉन्ग लेबर क्लास इमर्ज हुआ एंड आगे जाकर के आप देखेंगे दैट बोथ ऑफ दीज क्लासेस पार्टिसिपेटेड होल हार्टेडली इन द नेशनल मूवमेंट. राइट अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ नोन एज द खिलाफत मूवमेंट, दैट वॉज टू प्रिजर्व द पोजिशन ऑफ द कैलिफ ऑफ टर्की. कैलिफ इज सपोज टू बी वॉज सपोज टू बी द हेड द पोलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ अ सर्टन सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, जिसको कि पूरी दुनिया के कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स मानते थे एज देयर पोलिटिकल एंड रिलीजियस हेड. ही वॉज द लीडर ऑफ टर्की. नॉट टर्की वॉज वन ऑफ द डिफीटेड पावर्स. अब पोजीशन ऑफ कैलिफ को प्रिजर्व करने के लिए पूरे दुनिया में एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ. इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड. राइट एंड दिस खिलाफत मूवमेंट मर्ज्ड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो अगेन ग्लोबल इवेंट्स आर शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स. राइट अच्छा देन नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो इमर्ज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने सुना होगा नाम युगांतर ग्रुप का और या फिर गदर पार्टी का. एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई विद अ नंबर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस. सो पीपल लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एटसेट्रा, दे बिकेम क्वाइट एक्टिव. राइट अच्छा इसका एक और नतीजा निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. It exposed the hypocrisy of the colonial powers further. Why? Because ostensibly they were fighting for democracy, the right of self-determination. Lekin, rather than giving independence to the colonies of the defeated nations, इन्होंने बंदर बांट कर लिया और जितनी भी defeated nations की colonies थी एक दूसरे में Britain और France ने बांट ली. So this exposed their hypocrisy and steeled the mood of the Indian leaders ki that these people can no longer be trusted. To ab iske baad jitni bhi ladai hogi sari aar paar ki ladai hogi. Similar was the case with the Second World War. Second World War mein India did not want to participate, or if it did want to participate, the decision was supposed to be taken by Indians. But what did the British do? They made India a part of the war unilaterally. Ki apne side se unhone India ko वॉर का पार्टिसिपेंट डिक्लेयर कर दिया. दिस लेड टू मैसिव ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियन लीडरशिप एंड दिस ऑपोजिशन वॉज क्वाइट सस्टेन्ड एंड काफी बड़े मूवमेंट्स इमर्ज होकर के आए एंड न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो इमर्ज. फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने देखा दैट देर वॉज लार्ज स्केल वायलेंस. इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने देखा दैट अ सेक्शन ऑफ द इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी had defected and invaded India with an opposing force. And finally, the Royal Indian Naval Mutiny of 1946 also proved to the British that they could no longer maintain their hold over India.
बिकॉज द रैंक एंड फाइल ऑफ देयर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वॉज टर्निंग एंटी ब्रिटिश, राइट? सो दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अच्छा, अनदर मेजर पोलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी वॉज द राइज ऑफ द USA एज अ प्रोमिनेंट पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड. नाउ वॉट USA wanted to do was to decolonize the world. Why? Because it wanted new markets in which to sell its goods because it was rapidly industrializing. Lekin agar large sections of the world pe colonial powers ka hold hoga, so they would always maintain barriers to American trade. That is why USA spearheaded the movement for decolonization. And most importantly, in 1941, एक अटलांटिक चार्टर साइन किया गया. अटलांटिक चार्टर वॉज अ डॉक्यूमेंट विच वॉज साइंड बाई द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, FDR ने. एंड इसको साइन करने का इम्पोर्टेंस ये था दैट ब्रिटेन अग्रीड दैट इट वुड decolonize all of its colonies. It would give independence to all of its colonies. And it was under pressure from USA that it had done so. And all of these things led to the intensification of the decolonization movement worldwide and impacted India as well. So these were the political developments around the world which motivated the anti-colonial struggle in India. Similarly, economic processes ko bhi aapko highlight karna hai. Jaise ki Indian business class always supported the national movement at various stages. Why? Because they were aware of and inspired by the rapid economic growth of industrialized nations around the world and wanted to follow their same example. However, the British were not ready to help them. Therefore, they started seeking collaborators with Indian leaders. They felt that if India was to gain independence, the government of the day would support industrialists. That is why the business class lent their support to the national leaders and the national movement. Achha, there was growing awareness of a shared experience of colonial economic exploitation among all of the colonized countries of the world, right? And because of this, wherever such events used to take place or wherever such events were exposed, a huge wave of solidarity was expressed from across the world. And yahan pe ek bahut moral role India ne play kiya, and the second major moral role was played by the USA, right? Achha, thirdly, Great Depression exposed the vulnerability of capitalism. Achha, this was the time Great Depression occurred in 1929, and its effects were felt throughout the 1930s. American stock market crash ho gaya, and it exposed the weaknesses of the colonial system. The economies of the major colonial powers also declined very rapidly. Iski wajah se kya hua? The sense started growing among Indians that when these colonial powers are not able to manage their own economic affairs, how can they be expected to manage our economic affairs? At the same time, the USSR, that is Russia, that was performing very well. Why? Because it was based on a socialistic pattern of economy. And this led to a rise in sentiments towards socialism and anti-colonialism in India, right? So the Great Depression also played a major role in the anti-colonial struggle. Further, after the First and Second World Wars, British or French industries destroy ho gayi thi, and they had been replaced by USA and Japan economically. So USA and Japan were looking for new markets. Again, same thing jo yahan pe point number 7 humne mention kiya hai, the same thing we are mentioning over here also, that the USA and Japan eclipsed France and Britain economically, and they wanted to create a new world order where they would dominate the global economic scenario by promoting decolonization. Achha, then we are looking at the social factors or social developments around the world. So most importantly, modern Western education
इट लेड टू द अवेयरनेस ऑफ सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स, एंड इट बिकेम दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स बिकेम द बेसिस फॉर द वेरियस डिमांड्स proposed by the national leaders. Inspiration from Enlightenment era philosophers such as Rousseau, Locke and Montesquieu also inspired Indian leaders. For example, the idea of separation of powers, the idea of responsible government, the idea of constitutionalism, etc. These became the basis for the political movement of political national movement. Achha, the ideas of liberty, equality and fraternity, these became the enduring values of the नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट दी कलोनियल रूल. ये आइडियाज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे. द राइज ऑफ सोशलिज्म इन रिस्पॉन्स टू कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोज द लिंकेजेस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. सो अगेन सोशलिज्म स्टूड स्टेडफास्ट अगेंस्ट द राइज ऑफ अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंपीरियलिज्म. एंड जैसे जैसे सोशलिज्म का क्रेडेंस बढ़ता गया वैसे वैसे एंटी कलोनियल स्ट्रगल भी इंटेंसिफाई होता गया. एंड आफ्टर द 1920s यू विल फाइंड दैट ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया रीच्ड अ फीवर पिच एंड अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स ऑल्सो स्टार्टेड व्यूइंग द एंटायर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग सिस्टम्स और two opposing ways of life, that is capitalist mode of model of the society and a socialist model of the society. And it was on this basis that the freedom struggle was propagated. Right, let us move forward to the second question. This question is quite simple. Why did the industrial revolution first occur in England? Discuss the quality of life of the people there during industrialization and how does it compare with that in India at the प्रेजेंट. सो अगेन थ्री पार्ट्स में क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है. एंड यहाँ पे भी आपके आंसर में ये तीन पार्ट्स दिखने चाहिए. राइट, सो यू कैन राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिफर्स टू द वाइड रेंजिंग चेंजेस विटनेस ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पोलिटिकल एंड cultural life. Why? Due to the emergence of mass production based industries in the second half of the 18th century. Where did this process first take place? It occurred first in England. Aapke question mein mention kiya gaya hai. The process initially began in Britain and yahan pe aap ek line likh sakte hain, ek phrase likh sakte hain, due to the following factors, and then you can simply jump into the factors. तो अगेन यहाँ पे आपके जो बॉडी है उसमें तीन पार्ट्स होंगे. सबसे पहले तो फैक्टर्स फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाई इट बिगन इन ब्रिटेन ये बताना होगा. सेकंड, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लाइफ इन ब्रिटेन. एंड थर्ड, दैट हाउ डज इट कंपेयर विद द कंडीशंस इन इंडिया एट द प्रेजेंट. ये तीन पार्ट्स आपके आंसर में होने चाहिए. राइट, सो even if you are not aware of the specific factors which led to the rise of industrialization in Britain, kahin pe bhi agar industrialization shuru karna hai to uske liye kuch factors responsible hote hain. Kya kya chahiye hota hai? What are the basic minimum conditions that should be fulfilled? Pehla to raw material ka supply secure hona chahiye. Second, transportation network should be in place. Third, market should be available. Fourth, cheap labor should be available, that is all the factors of industry should be available. Finally, the foundational minerals, that is coal and iron, they should be present. And also a finance industry has to be in place so that it can extend loans and credit to the market, to the industrialists. And most importantly, there should be a class which has the willingness and ability to take risks, to invest and to extract profit, that is the entrepreneurial class. Ye basic minimum conditions hoti hain kahin pe bhi industrial revolution ya fir industrialization ke process ko shuru karne ke liye. Right, and all of these conditions were being fulfilled in late 18th century Britain, and that is why wahan pe pehli baar इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई.
But if you want to write a more specific answer, my suggestion to you would be to divide the various factors into different subheadings, such as geographical factors, economic factors, political factors, and socio-religious factors. Geographical factors behind the emergence of industrialization in Britain kya hai? That it is an island nation. Therefore, it has to develop its own shipping industry, its transportation and communication network, ports ko develop karna bahut zaruri ho jayega. Secondly, since it is separated from continental Europe, therefore, when during the 18th century, there were a number of wars and battles going on in Europe, inke effects Britain mein directly nahi feel hue. Therefore, there was a lot of stability and opportunity for the growth of industries in Britain. Achha, abundance of coal and iron was also a factor which led to the beginning of industrialization in England. Central and northern England mein coal aur iron बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है एंड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये दो मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अच्छा, फाइनली फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द वेरियस किंग्स एंड डायनेस्टीज ऑफ ब्रिटेन हैड फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी. सो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन दीज केम इन वेरी हैंडी एंड इनके बेसिस पे ही ये जो नई इंडस्ट्रीज थी इन रॉ मटीरियल और वेरियस अदर प्रोडक्ट्स वर बीइंग सप्लाइड. तो इंटरचेंज इस इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था इन द इनिशियल स्टेजेस. राइट, लेट अस लुक एट द इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो During the 16th century in England, something known as the enclosure movement took place. What happened was that the various landed estates were consolidated. For example, Britain mein 16th century mein landholding society ka landholding ka pattern aisa hota tha that ek noble lord ke paas ek bada sa administrative area diya jata tha. एंड उसमें उसका कुछ पर्सनल लैंड होता था एंड देयर वर सम प्राइवेट फार्मर्स हु आल्सो यूज्ड टू लिव ऑन दैट लैंड एंड अ सर्टेन सेक्शन और सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर प्रोड्यूस दे यूज्ड टू गिव टू द नोबल लॉर्ड. बट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी व्हाट हैपेंड वाज कि इन होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया गया. द नोबल लॉर्ड्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द एंटायर एस्टेट. And इसकी वजह से हुआ क्या that all of the farmers living on that estate suddenly became landless tenants, right? And they started looking for new opportunities for work. And this was the industrial labor which was freed up by this enclosure movement. Second thing which took place because of this was the accumulation of wealth to the feudal lord, to the noblemen, right? And because they had accumulated so much wealth, they were looking for new avenues to invest this wealth. Aur ye avenues kahan pe open up ho rahe the? In the industries which had started emerging during the second half of the 18th century. To enclosure movement ke do fayde hue. First, wealth creation, and second, freeing up of agricultural labor for industrial work. Acha, then the 17th century witnessed an agricultural revolution in Britain. Because of this, huge surplus was created. Ab agar surplus hai, that means the people of Britain do not need to be constantly engaged in agriculture. They can start doing some other work, such as industrial work, right? Acha, a number of banks and financial institutions also emerged in Britain after the 16th century. Why? To manage Britain's overseas trade. Acha, from the 16th century onwards, Britain started focusing on development of an overseas trade network. So 17th century mein it came to India. By the 18th century it had already secured an empire in India, right? So the trade infrastructure, the trade network was already in place. Kya ab kya zarurat thi ki British finished products India mein la karke bas बेचने की जरूरत थी. अच्छा,
देन बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया दे हैड एक्सेस टू टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रॉ मटीरियल एंड मार्केट्स. इंडिया से ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फीड करते थे एंड फिर उसके बाद ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में ला करके बेचते थे. सो दे आर ऑलरेडी हैड अ सिक्योर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ कैप्टिव मार्केट एंड दैट वाज द रीजन फॉर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री. अच्छा पोलिटिकल फैक्टर्स क्या है दैट फर्स्टली ब्रिटेन में देर वर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी. आफ्टर 1688 देर वॉज नो मेजर पोलिटिकल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. पोलिटिकल अपीवल नहीं था. इफ यू कंपेयर दैट टू कॉन्टिनेंटल यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 कंप्लीटली डिसरप्टेड लाइफ इकोनॉमी वॉज कंप्लीटली रुइंड एंड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सिमिलर रेवोल्यूशंस टुक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप दैट इज वाई ब्रिटेन पुल्ड अहेड राइट. अच्छा द रीजन बिहाइंड दिस वॉज दैट द मोनार्की इन ब्रिटेन वॉज forced to give up some of its absolute rights and gradually a constitutional monarchy was created. Therefore, these transitions were always smooth. Achha, Britain from the 17th century onwards had also started maintaining the policy of political isolation. They felt that British politics should not be intertwined into continental politics of Europe because continental politics of Europe were often very violent, constantly warfare hota rehta tha. And because of this political isolation, British industries had an opportunity to prosper, right? And again, you know that by the second half of the 18th century, Britain already had already conquered Bengal. And this gave Britain a competitive edge over other industrial powers such as France, right? A number of socio-religious factors were also responsible for the coming of the Industrial Revolution in England. Jaise ki the Reformation or Protestant movement in Britain. So during the reign of Henry VIII and his successors, a gradual process of breaking away from the hold of the Catholic Church started taking place. Isko bolte hain Protestant movement ya fir Reformation. Right, and what this did was that it freed Britain from the stifling influence of the Catholic Church. Catholic Church jo hai scientific discoveries ko aur scientific knowledge ko suppress karne ki koshish kar raha tha. It was also promoting the idea that conspicuous consumption is something which is not desirable, and therefore the fruits of one's labor should be diverted towards, let us say, charity or penance. In sabse mukti pa karke, angrezon ko ye samajh mein aaya that happiness is going to be determined by your hard work and you are not a sinner if you enjoy your hard work. And isko bolte hain Protestant ethic. Freedom from the Catholic Church also led to a wave of adventurism and experimentation. So number of geographical and scientific discoveries were made. Achha, because of the mercantile success of England in the 16th and 17th centuries, a large middle class had emerged known as the bourgeois class. Ab is class ke paas wealth accumulate honi shuru ho gayi thi. And when the process of industrialization started, this class very enthusiastically invested in the newly emerging industries of Britain. If you compare the scenario with the rest of Europe, wahan pe social structure bahut flat tha. There were only two classes, either the very rich or the very poor, either the feudal lords or the peasants or serfs. Britain mein ek middle class emerge hua and they were the ones who spearheaded the process of industrialization, right? And a lot of foundational scientific research had taken place in Britain, such as the works of, let's say, Isaac Newton, etc. And innovation was also encouraged in the workshops and industries of Britain. The same process was not true for the rest of Europe. So these were the various factors
वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट केम टू ब्रिटेन एंड नॉट एनीवेयर एल्स. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इम्पैक्ट ऑन लाइफ इन ब्रिटेन, क्या क्या चेंजेस हुए. मैसिव स्केल पे अर्बनाइजेशन हुआ, नंबर ऑफ सिटीज स्टार्टेड इमर्जिंग, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज. अच्छा, एट द सेम टाइम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो टुक प्लेस. सो अ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड ट्रेडिंग क्लासेज इमर्ज. अच्छा, न्यू मोड्स ऑफ कल्चरल क्रिएशन ऑल्सो इमर्ज. फॉर एग्जाम्पल, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सच एज दैट क्रिएटेड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और चार्ल्स डिकिंस एटसेट्रा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है. राइट, सो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से निकल के आई, लेकिन कुछ इसमें खराब चीज़ें भी निकल के आई. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज लार्ज स्केल इनइक्वालिटी एंड वर्किंग क्लास पीपल की जो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन थी दे वर वेरी पुअर. चाइल्ड लेबर वॉज रैम्पेंट एंड पे डिस्पैरिटी बिटवीन द डिफरेंट बिटवीन मेन एंड वुमेन वॉज ऑल्सो वेरी हाई. द पीपल वर फोर्स टू लिव एंड वर्क इन कम्प्लीटली अबिज्मल कंडीशंस, एंड दीज वर सम ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन. अपार्ट फ्रॉम दिस, a number of environmental problems also started emerging. For example, the infamous London fog of 1940 is one of the examples. Right? Achha, if you compare the Indian experience to the impact on life in Britain, so you will find that some of the same features were visible in India. For example, massive inequality still exists in India. A number of working class groups are more disadvantaged than the others. The problem of bonded labor, child labor, etc. still exists in India. However, there are certain differences. What are the differences? If you compare the pace of industrialization, it is much slower in India. There are a number of reasons behind this. Firstly, Britain was a very small country. India is very large. Britain mein, it was easier for social transformation to take place, whereas India, the paths of social transformation were blocked by the institutions of caste or gender, etc. Right, now because of this, a large section of the Indian economy is still agrarian. Roughly 50% of the Indian labor force is engaged in agricultural work. Right, acha. If you look at the case of India, you will find that there are some pockets where large scale industrial development has taken place, whereas there are certain pockets where there is underdevelopment. So this is known as imbalance regional growth or imbalance regional development. However, we also took some let's say lessons from the experience of Britain, and because of this we have increased our focus on sustainable development. So there is a renewed focus not only from the industry but also from the government for sustainably developing India, and we are also taking solid steps to safeguard the rights of the working class. So a number of progressive labor laws have also been introduced. Right, so in the we have started developing our industry with the aim of holistic development and not only lopsided growth, but at the same time there are some problems which linger on. Right, so these are the two questions. Ab yahan pe agar aapko koi doubts hain to you can ask me.